क्या नाम है बेटे का? यशु। क्या परेशानी हुई इसको? इसको ना दिख नहीं रहा है। तो 9 महीने की उम्र में ये कुछ पकड़ता नहीं था, कोई सामान खेलता नहीं था। टच करने से पकड़ लेता है, वैसे नहीं पकड़ता। देख के नहीं पकड़ता ये। कोई खेल खिलौने वगैरह? बजाने वाले सब ले लेता है, बिना बजाने वाले नहीं। पैदा हुआ था जब, क्या हुआ था? प्रीटर्म था थोड़ा सा, तो मशीन में रखा गया था। वो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? तो बहुत सारे डॉक्टर्स, एम्स में भी दिखाया, गुरु नानक हॉस्पिटल डॉक्टर श्रॉफ है जो, उन्होंने भी मना कर दिया था। बोले आप लोग यू हैव योर लॉस्ट योर मनी एंड टाइम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। ने बच्चों के डॉक्टर को भी दिखाया था, आंखों के डॉक्टर के अलावा जी, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट थी, न्यूरो सर्जन है डॉक्टर वीना कालरा, एम्स से रिटायर है। तो उन्होंने जो हमें बताया था कि इसमें ना कार्पस कैलोजम एब्सेंट है, जो दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है ब्रेन के, तो वो इसमें एब्सेंट है ही नहीं है, तो वो कैसे सही हो सकता है? और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसका ऑपरेशन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस कारण इसको माइंड से रिलेटेड है ये। और पिछला विजन एरिया पूरा श्रंक हो चुका है, जिस वजह से प्रेशर की वजह से ऑप्टिक नर्व्स इसकी डैमेज हो गई है। ना तो इसे कभी दिखेगा, डेवलपमेंट भी डिले रहेगा इसका। तो डिले ऑलरेडी था ही उस टाइम पे, 9 महीने का था, ये नहीं बैठ पाता था। उनको दिखाया पिछले 6 महीने से, बस दिखा ही रहे हैं, जो जहाँ कह देता है। आयुर्वेदिक में भी दिखाया रामदेव बाबा के, हाँ जी पतंजलि। इसके अलावा कहीं गए कि आप? दिल्ली के अलावा नहीं, बस दिल्ली के अलावा शंकरा नेत्रालय का बताया था किसी ने, तो वहाँ जाने का सोच रहे थे, उससे पहले यहाँ के बारे में पता चला तुमने, क्योंकि यहाँ देखा कि शंकरा नेत्रालय के पेशेंट भी यहाँ है। कुल मिला के असाध्य रोग है और बीमारी मेंटली है, डेवलपमेंट हुआ नहीं है, ब्रेन बना नहीं है, है ना, आंखों की नसें प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, तो कैसे दिखेगा जी? देखें आज इसको क्या दिखाई पड़ रहा है। दो लो यशु, ले लो, पकड़ लो, ले लो, इधर नहीं है। हेलो यशु, ओ यशु, लाइट कहाँ से आ रही भी, ये भी इसको सस्पेक्टेड ही है। यशु, ओ यशु, देश के कोने कोने में उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है जिन नेत्र चिकित्सालय में। क्या नाम है आपका? यशु, ये लो यशु, यशु पकड़ो, ले लो। ओय 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 ओय, दियो 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 दियो, अब ले लो, लो। अरे वाह यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे बन गए आप। छोड़ो 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 छोड़ो, ये लो, ये वाली ले लो, दूध पी लो, दूध पकड़ो, दूध पियो। पियो दूध पियो। थेरेपी भी करवाई है इसकी हमने, विजुअल स्टिमुलेशन जो था, मतलब लाइट्स वगैरह, लाइट स्टिमुलेशन थेरेपी थी, वो भी हमने सब कुछ करा के देख लिया था, मतलब हार चुके थे हर तरीके से। हार के बाद ही जीत का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि बहुत प्रयास खुशी करने वाला ही जीतता है, हो रही है हाँ। और जीतना आपके नसीब में था, आपकी जिद में था, और आप जीती हैं और जीतते चले जाए, वही हमारा। और क्या एक्टिविटी इनने शुरू करी है? थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा है हम लोगों की, जो बिल्कुल ही नहीं कोई समझता था, कुछ समझने लगा। क्या है बात समझता है? जैसे एक दो चीजें सिखाई है, क्लैपिंग करने का सिखाया है, क्लैपिंग करने लगा है। कहीं जाने के लिए हम लोग आपस में ही बात करें तो ये फिर समझ जाता कि ये लोग कहीं जा रहे हैं, तो तुरंत तो खुद भी रोने लगेगा जाने के लिए। कहीं बोल दें चलो, तो चलो चलो यशु, चलो चलो, हाथ ऊपर हो जाते हैं, चलो बस अब ले चलो, अब ये नीचे नहीं जाओ, चलो घूमी घूमी। और आप यदि कहते हैं लोग खाना खा लो या दूध और पी लो, तो उस चीज को भी रिएक्ट करता है? दूध की पूछ लो, अगर ये भूखा होगा तो ये बोलने, मतलब बोल नहीं पाता है, लेकिन इसके रिएक्शन हो जाते हैं कि हाँ इसको चाहिए दूध, और नहीं चाहिए तो 10 बार पूछते रहो तो नहीं कुछ। एक ही जैसे पहले मैं इसको गोदी में लिए रहती थी, अब मैं लेती हूँ ना तो ये मेरा चश्मा पकड़ लेता है, चश्मा निकालता है। हाँ, बस खुशी उस दिन होगी जिस दिन बिंदी निकालेगा, क्योंकि बच्चों की मोस्टली आदत होती है कि गोद में, जब उसे बिंदी और दिखने लगे। बाकी बहुत पास का इसको थोड़ा बहुत दिखने लगा है, मतलब महसूस होता है। हाँ, महसूस होता है, देखिए। और अब बैठ भी जाता है, पहले नहीं बैठता था, उठ के बैठने भी लगा, पहले नहीं बैठ पाता, पहले बैठ नहीं पाता, अपने आप लेटा लेटा अपने आप जो है अल्टा पल्टी करेगा और हल बैठ जाएगा, हल बैठ जाता है। बिल्कुल लेटा रहता था पहले, इसका यही पता लगता है ये घर में है या नहीं,
और अब क्या है, अब अगर इसे कोई कमरे के अंदर भी आएगा तो इसे पता लग जाएगा कि कोई कमरे के अंदर आया, और जो है इसे घुमाओ। आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग सर्च किए डॉक्टर ऋषभ जैन को और यहाँ तक पहुँचे और विश्वास करके इलाज शुरू किया कि जो भी होगा वो फायदा ही होगा, जो भी होना था फायदा ही होना था। और आपने देखा लगभग हम तो सबने आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं, असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। आपको लग रहा है कि अपन ने पहला कदम बढ़ा दिया? हाँ, मुझे लग रहा है। हाँ, क्योंकि बच्चा सामान पकड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, कोशिश करता है, इन्हें घूमने जाने का कहा तो घूमने जाने की जिद करता है, जिद करता है। और बच्चे, हाँ, नॉर्मल बच्चे वो करते हैं उस तरह से, उसको जिद करना शुरू कर दिया है। तो इसके हिसाब से तो ये करीब करीब 25% इम्प्रूवमेंट आपको आया है आपके बेटे को, सर, फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद इतना अच्छा, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि, क्योंकि जैसे हम जब आए थे ना तो बहुत नेगेटिविटी भी थी, क्योंकि जैसे जो कोई मशहूर होता है तो पीछे पीछे नेगेटिविटी भी चलती है, साथ साथ जो लोग नहीं चाहते कि आप ज्यादा फेमस हो तो वो लोग काफी कमेंट्स भी करते हैं, तो कुछ लोगों ने नंबर छोड़ रखे हैं आपके इस पर। फोन भाई नेचुरल है, फर्स्ट टाइम सर जाएंगे। देखो मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, तो मैंने 2-3 लोगों से बात की, तो सबने यही कहा कि बेकार है, बेकार है ये वो, लेकिन हम फिर भी, हमें लगा कि नहीं, जब हमारे पास है जाना चाहिए, बार मिलना चाहिए। अंधेरे में आशा की किरण है डॉक्टर ऋषभ जैन जी सर, आपने बिल्कुल, यही बिल्कुल, सोच सर, के आए हैं, बिल्कुल सर, कि कहीं कुछ हो सकता है। हर जगह अंधकार ही कहा गया कि कुछ नहीं होगा, विश्व में इलाज नहीं है, कहीं कुछ संभव नहीं है, क्यों आप पैसा और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? लेकिन सर बच्चा है तो सब कुछ, चाहे कहते हैं ना कि अगर बच्चे को कोई परेशानी है ना तो माँ बाप कर्जा लेके भी इलाज कराते हैं, लेकिन उसे सही करते हैं कैसे भी करें, तो बस वही बात है। जो सर, जो आपके इसमें यूट्यूब पे जो कमेंट्स लोगों ने, अगर आपने देखे होंगे कमेंट्स में लोग करते हैं ना, ही नहीं हूं, कमेंट्स कभी मैंने कमेंट्स में ही कुछ लोगों ने नंबर छोड़े हुए थे, शायद वो आपके ओल्डर पेशेंट्स हैं, या हो सकता है बहुत ये होता है ना, जो मशहूर होता है तो उसके जलने वाले भी बहुत हो जाते हैं ना, देखिए मोबाइल नंबर छोड़ रखे हैं, तो मोबाइल जैसे बात बात की है उनसे। आपने पूछा नहीं आपकी बीमारी क्या थी, क्यों था, और आप क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं? किसी ने रेटिनस पिगमेंटोसा बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने, कोई आदमी की 20 साल की बीमारी को मैं क्या 2 महीने में 4 महीने में ठीक कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, तो सब कुछ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। जो भी आया, जैसा भी आया, उस व्यक्ति को, अब आपके बच्चे को, हालांकि वो बीमारी नहीं है, क्योंकि आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को क्या बीमारी है, मुझे क्या बीमारी है, मैं किस बीमारी के लिए इलाज कराने जा रहा हूँ, वो चीज मेन होती है। कोई कुछ भी कमेंट करता है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया ना सर, हम फिर भी आए ना, क्योंकि हमें तो मिलना था, हमें तो ये था कि नहीं कराना है, मिलने का असर भी हुआ। अब देखिए असर भी हुआ कि मतलब महाकाल की नगरी में हमें तो ये लग रहा है कि बहुत कुछ मिल गया, ये ईश्वर कृपा है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही कहा था प्रभु कृपा आपके होगी, और जो भी आएगा प्रसाद मिलेगा आपको, और वो रिजल्ट आपको दिख रहा है। जी सर बिल्कुल, है बिल्कुल सर। तो नेगेटिव लोग तो जिंदगी में नेगेटिव ही चलते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कुछ जादू टोना हो जाए, चमत्कार हो जाए, नहीं ये मतलब जो नेगेटिव कर रहे हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं पहले दिन से आदमी को कहता हूँ, जो भी आएगा मेरी दवाओं का असर मैं आपको बताते जाऊंगा। नहीं तो इम्प्रूवमेंट, किसी को बीमारी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, तुम उम्र में 40 साल के हो गए हो तो बीमारी आपके अंदर 40 सालों से, तो मैं उसको 4 महीने में 2 महीने कैसे ठीक करूंगा? बट थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट आता है तो आपको ये सोचना चाहिए कि जहाँ 0 था वहां से 1 तो शुरू हुआ। बिल्कुल सर। पर मानव प्रवृत्ति क्या है कि 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मैं दूसरों की तरह क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बस वो चीज सबसे गलत है कि आपकी आंखें पूरी तरह से डैमेज है, उसको मैं एकदम कैसे ठीक करूंगा? ठीक, तो बहुत सारी बधाई हो, ये खुशियाँ आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाए, हमारा प्रयास रहेगा। इवन किसी ने कहा था कि वो वही हमारा प्रयास, आगे हम इसका कोर्स कंटिन्यू करेंगे कि ये कंप्लीट करके, बिल्कुल जब तक मतलब आप मना नहीं करेंगे कि मत आओ, तब तक हम आएंगे सर। ये चीज है, जब आप कह देंगे कि बिल्कुल सही है, ही इज ऑल राइट। देश के दिल, मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्रीजोत के पास एक हॉस्पिटल है, जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय। देखें आज इसको क्या दिखाई पड़ रहा है।